नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे योजना के बारे में जिसकी जानकारी मिलने से बिहार के रहने वाले हर वर्ग के युवा और महिलाओं को अपना उद्योग शुरू करने में मददगार साबित होगा। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। बिहार सरकार राज्य में स्वरोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई काम कर रही है, क्योंकि बिहार में छोटे मझोले या बड़े उद्योगों के लगने से न सिर्फ उसे लगाने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि वे अपने साथ साथ कई लोगों को रोजगार देने का काम कर सकेंगे और इससे बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने की राह आसान होगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सरकार स्वरोजगार अपनाने वाले यानी उद्योग लगाने वाले युवाओं और महिलाओं को 10 लाख तक की आर्थिक सहायता देने वाली है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने साल 2018 में सबसे पहले कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना को शुरू किया था, जिसके बाद साल 2020 में इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया, मगर अब राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को भी इस योजना का लाभ देने का फैसला कर लिया है। इसके तहत कैबिनेट में 19 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को मंजूरी भी दे दी गई है। इसके लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि महिला व युवा उद्यमी योजना के क्या क्या लाभ हैं। सरकार के पहले वाले उद्यमी योजना के तर्ज पर ही महिलाओं और युवा को भी इसका लाभ दिया जाएगा। इसके तहत सरकार स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देगी। इसमें से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगे, यानी 5 लाख तक माफ किए जा सकते हैं, तो वही 5 लाख रुपए सरकार को 84 किस्तों में चुकाने होंगे। यहां महिलाओं को एक खास सुविधा सरकार दे रही है। दरअसल महिलाओं को जो 5 लाख रुपए चुकाने होंगे उनमें एक रुपया भी ब्याज नहीं देना होगा। महिलाएं ब्याज रहित 5 लाख रुपए चुकाएंगी, तो वहीं पुरुषों को 1% ब्याज दर के साथ 5 लाख रुपए चुकाने होंगे। यह लोन 84 किस्तों में चुका सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला व युवा उद्यमी योजना की पात्रता के बारे में। इस योजना का लाभ केवल बिहार के रहने वाले सभी वर्गों के युवा और महिला उठा सकते हैं। इसके साथ ही उनकी उम्र 18 से 52 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। इसमें आवेदक का इंटर पास होना जरूरी है। इसके अलावा जिनके पास ITI या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो तो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को अपनी फर्म या फिर कंपनी बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। इसके लिए वे कई तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में भी निबंधन करवा सकते हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। उद्योग विभाग ने इसके लिए एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है जिसमें चारों SC ST EBC महिला और युवा उद्यमी योजनाओं के लिए आवेदन हो सकेंगे। पोर्टल पर अभ्यर्थी को चारों विकल्प मिलेंगे, वो जिस कैटेगरी में आते हो उसमें आवेदन कर सकता है। जिसके बाद जब आपके आवेदन स्वीकार कर लिए जाएंगे तब समिति 15 दिन में इसकी जांच करेगी, फिर उसे संबंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को भौतिक सत्यापन के लिए भेजा जाएगा, जहां जांच कार्य पूरा होने के बाद चुने गए आवेदकों को तय संस्थानों में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। फिर उनके प्रोजेक्ट की DPR के हिसाब से समिति उन्हें पहली किस्त की राशि देगी और कुल 10 लाख रुपए मिलेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार सरकार ने दोनों ही योजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपए का खाका तैयार किया है। तो ये थी बिहार सरकार के 7 निश्चय Part 2 की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में वो सारी जानकारी जो आपके लिए मददगार साबित होने वाला है। इसी के साथ ही हम अपने सीरीज में एक नई योजना के साथ अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप आगे किस योजना के बारे में जानना चाहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।